हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद न्यू टॉपिक्स, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जैसे कोई भी बॉडी दूसरी बॉडी पर अगर फोर्स अप्लाई करती है तो उतने ही इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन दूसरी बॉडी फर्स्ट बॉडी पर अप्लाई करती है। मीन्स कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इट मीन्स मान लो कोई आपको थप्पड़ मार रहा है तो आप क्या करेंगे? थप्पड़ खाते थोड़ी ना रहेंगे, या तो अपनी बॉडी को पीछे करेंगे। दिस इज ए रिएक्शन। जब आपकी बॉडी पे कोई एक्शन कर रहा है तो आप रिएक्शन कैसे शो करते हैं? या तो अपनी बॉडी को पीछे ले जाएंगे, और अगर आपके बराबर का है या छोटा है तो आप उतने ही इक्वली एंड अपोजिट रिएक्शन शो करेंगे, यानी उतनी ही तेज से थप्पड़ उसको मार देंगे। तो ये क्या हुआ? रिएक्शन हो गया। क्लियर? तो हर चीज के एक्शन का रिएक्शन होता है। क्लियर? जैसे द मैन इज एक्सर्टिंग फोर्स ऑन द काउ, बट द काउ इज एक्सर्टिंग एन इक्वल फोर्स बैक ऑन द मैन। अगर कोई आदमी किसी काउ को खींच रहा है तो काउ, आपने देखा होगा कि अपना गर्दन से पीछे की तरफ खिसकने की कोशिश करती है, बचने की कोशिश करती है, यानी इक्वली एंड अपोजिट रिएक्शन शो करती है। तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा कि क्या होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब हम इसे एप्लीकेशन के थ्रू समझ सकते हैं कि इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन लेते हैं, हाउ डू वी वॉक। फर्स्ट हाउ डू वी वॉक, हम कैसे चलते हैं या एक्शन करते हैं, और रिएक्शन कैसे हो सकता है ग्राउंड के ऊपर। तो व्हेन वी वॉक ऑन द ग्राउंड देन आवर फुट पुशेस द ग्राउंड बैकवर्ड एंड इन रिटर्न द ग्राउंड पुशेस आवर फुट फॉरवर्ड। द फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन आवर फुट मेक्स अस वॉक फॉरवर्ड। क्या मीनिंग हुआ कि जो हमारे पैर पीछे की ओर जा रहा है दैट इज एक्शन, और जो पैर आगे की ओर जा रहे हैं दैट इज ए रिएक्शन। क्योंकि जब हम इसको आगे लेते हैं तो ग्राउंड कहाँ जाता है? बैकवर्ड। और पैर कहाँ जाता है? फॉरवर्ड। तो जो फॉरवर्ड जा रहा है दैट इज ए रिएक्शन, और जो बैकवर्ड जा रहा है दैट इज ए एक्शन। इस तरह से हम आसानी से वॉक कर पाते हैं ग्राउंड के ऊपर। लेकिन अगर ग्राउंड स्लिपरी होता है तो क्या हम तब स्लिपरी मतलब चिकना, अगर उस पर कोई आइस पे चल रहे हों या कोई तेल वगैरह ग्राउंड पे गिर गया है और उस पर हम चल रहे हैं, तो क्या हम इजी वे में गोइंग ऑन हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इट इज़ ए वेरी डिफिकल्ट है ना टू वॉक। इसका रीजन क्या हो सकता है कि बिकॉज ऑन द स्लिपरी ग्राउंड और आइस द फ्रिक्शन इज मच लेस, बहुत कम फ्रिक्शन हो जाता है, एंड वी कैन नॉट एग्जर्ट अ बैकवर्ड एक्शन फोर्स ऑन स्लिपरी ग्राउंड और आइस विच वुड प्रोड्यूस अ फॉरवर्ड रिएक्शन फोर्स ऑन अस। क्लियर हुआ ये पॉइंट? सेकेंड पॉइंट हम लेते हैं, व्हाई द गन रिकॉइल्स। सेकेंड है वाई द गन रिकॉइल। इट मीन्स कि व्हेन अ बुलेट आर फायर्ड फ्रॉम अ गन, जब हम बुलेट को फायर करते हैं गन से, तो द फोर्स सेंडिंग द बुलेट फॉरवर्ड इज इक्वल टू द फोर्स सेंडिंग द गन बैकवर्ड। इट मीन्स कि जब बंदूक की गोली जो है आगे की ओर जाती है तो आपने देखा होगा कि इक्वल टू द फोर्स अप्लाई होता है उतना ही बैकवर्ड पोजिशन में, यानी आपका जो शोल्डर है वो कहाँ खिसकता है? पीछे की ओर, है ना, पीछे की ओर। जर्क, जर्क मतलब पीछे को धक्का लगना। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिकॉइल्ड कहते हैं। मेरे ख्याल से समझ आया एक्शन रिएक्शन, यानी कि जब गोली आगे जा रही है ना, और आपका जो शोल्डर है जहां से आपने बंदूक को रखा हुआ था, गोली छोड़ रहे थे गन से, बुलेट को छोड़ रहे थे, तो उस समय आपका जो कंधा है वो कहाँ जाता है? पीछे की ओर। तो इसका मतलब जो गोली आगे गई दैट इज ए एक्शन,
और जो आपने शोल्डर पीछे जर्क किया आपका शोल्डर, वो क्या कहलाया? रिएक्शन। क्लियर हुआ? इस प्रकार से गन क्या होती है? रिकॉइल्स होती है। थर्ड पॉइंट हम लेते हैं, द थर्ड एप्लीकेशन है द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट एरोप्लेन एंड रॉकेट्स बोथ आर वर्क ऑन द प्रिंसिपल एक्शन एंड रिएक्शन। फ्लाइंग जेट भी और रॉकेट भी किस पर वर्क करता है? एक्शन एंड रिएक्शन पर वर्क करता है। कैसे करता है ये हम अभी देखते हैं। जो रॉकेट है आपका वो इस टाइप होता है, ये क्या है? गैसेस। और ये इससे में जो गैसेस नीचे की ओर जा रही है, दैट इज एक्शन। एक्शन। और जब ये रॉकेट ऊपर की ओर जाता है तो ये क्या कहलाता है? रिएक्शन। समझ आया कि किस तरह से रॉकेट एक्शन एंड रिएक्शन पर वर्क करता है? जब ये ऊपर की ओर जाए दैट इज ए रिएक्शन, है ना। एक्चुअली क्या है कि इन अ रॉकेट द हॉट गैसेस प्रोड्यूस बाय द रैपिड बर्निंग ऑफ फ्यूल रश आउट ऑफ अ जेट एट द बॉटम ऑफ द रॉकेट एट अ वेरी हाई स्पीड द इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स ऑफ द डाउनवर्ड गोइंग गैसेस पुशेस द रॉकेट अपवर्ड विद अ ग्रेट स्पीड। बात समझ आई कि जब ये बर्न वॉटेड गैसेस में प्रोड्यूस कर जाती हैं और ये नीचे की ओर आउटवर्ड डाउनवर्ड जाती हैं, बाहर निकलती है, जैसे ही बाहर निकलती है रॉकेट कहाँ चला जाता है? अपवर्ड। और इसको क्या कहा जाता है? रिएक्शन। और जो गैसेस आउटवर्ड या डाउनवर्ड जा रही हैं उसे क्या कहा जाता है? एक्शन। क्लियर? इस तरह से एक्शन और रिएक्शन पर यह वर्क करता है। सेम एज इट इज ही कौन वर्क करता है इस पर? जेट एरोप्लेन। उसमें भी क्या होगा? जो हॉट गैसेस है वो क्या करेंगे? आगे की तरफ जब इंजन बढ़ता है तो जो गैसेस बाहर की तरफ निकल रही हैं, डाउनवर्ड जा रही हैं, वो क्या कहलाएंगी? वो एक्शन हो जाएगा। और आगे की ओर जब वो जाता है दैट इज ए रिएक्शन। क्लियर? नेक्स्ट फोर्थ, द केस ऑफ अ बोट एंड द शिप। इट मींस कि अगर कोई व्हेन अ मैन जंप आउट ऑफ अ बोट टू द बैंक ऑफ द रिवर The boat moves backward away from him. ये बात सही है ना कि जब भी कभी कोई आदमी या कोई भी जंप करता है कहाँ पर? बोट से। कहाँ? किनारे पर। किनारे से जो भी कोई रिवर या लेक के किनारे पर आकर जब बोट रुकती है और वहाँ से जंप करता है तो जंप करने के बाद आपने देखा होगा कि जो बोट है वो कहाँ चली जाती? मूव कर जाती पीछे की तरफ और आदमी आगे की तरफ आ जाता है, यानी कूद जाता है। इसका रीजन क्या है? अगेन वही है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट टू स्टेप आउट ऑफ द बोट, जैसे वो स्टेप बोट से बाहर निकालता है, पैर बाहर निकालता है, द मैन प्रेस द बोट विथ हिज फुट इन द बैकवर्ड। क्लियर? जैसे उसने पैर बाहर निकाला तो आपने देखा वो बोट कहाँ चल जाती है? उसके फुट से पीछे की तरफ चल जाती है, पीछे डायरेक्शन में चल जाती है। तो द पुश ऑफ द मैन ऑन द बोट इज द एक्शन। जो उसने मैन ने ये पुश किया है ना, वो क्या कहलाता है? उसका एक्शन कहलाता है। और उस समय द बोट एक्सर्ट एन इक्वल फोर्स ऑन द मैन, और बोट भी एक उसी टाइम एक इक्वल फोर्स अप्लाई करती है किस पर? मैन के ऊपर, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और विच इनेबल्स हिम टू मूव फॉरवर्ड। और जो मैन है या आदमी है वो कहाँ चला जाता है? आगे की तरफ चला जाता है। दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय द बोट ऑन द मैन, और इस ये जो फोर्स अप्लाई हुआ बोट के थ्रू मैन पर वो क्या कहलाता है? उसका रिएक्शन कहलाता है। इस तरह से जो बोट और शिप का रिलेशनशिप है कि बोट का पीछे जाना और आदमी का आगे जाना, ये किस पर डिपेंड करता है? एक्शन एंड रिएक्शन पर डिपेंड करता है। क्लियर? फिफ्थ, द केस ऑफ ए होस पाइप। होस पाइप देखते हैं आप कि जो फायर मैन होता है वो क्या करता है कि जब कहीं आग वगैरह लग जाती है तो वो एक पाइप के थ्रू, हॉस पाइप मतलब वही पाइप जिसके थ्रू बहुत ही ग्रेटर स्पीड के साथ उस आग पर पानी फेंका जाता है, तो वो आग
बुझने बुझ जाती है. तो द बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द होस पाइप इज ड्यू टू द बैकवर्ड रिएक्शन ऑफ वाटर रशिंग थ्रू इट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ अ ग्रेट स्पीड. आपने देखा जो पाइप होता है वो इतनी प्रेशर के साथ पानी लाता है, बहुत ही स्पीड के साथ, ग्रेट स्पीड के साथ पानी उसके ऊपर गिरता है और जो पाइप है उस वो क्या होता है बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है. चलिए सिक्स पॉइंट हमारा आता है कि द केस ऑफ ए हॉर्स पुलिंग अ कार्ट. आपने देखा होगा जो हॉर्स का जो रस्सी है उसको पीछे की तरफ जब खींचा जाता है तो उसका जो बैक हॉर्स जो है पीछे की तरफ बैंड हो जाता है और होने के साथ ही जो कार्ट है आगे की तरफ मूव करती है. द हॉर्स बैंड्स फॉरवर्ड एंड पुशेज द ग्राउंड विद इट्स फिट व्हेन द फॉरवर्ड रिएक्शन. जो उसका आगे की ओर जा रहा है वो रिएक्शन है और जो आप उसको उसकी जो उसे बैक करते हैं पीछे की तरफ खींचते हैं तब वो आगे खींच सकता है, तो वो उसका क्या होता है एक्शन होता है. तो रिएक्शन टू द बैकवर्ड पुश ऑफ द हॉर्स इज ग्रेटर देन द अपोजिट फोर्स ऑन द व्हील द कार्ट मूव. क्लियर हुआ ये एप्लीकेशन न्यूटन्स की थर्ड लॉ ऑफ मोशन. नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम आप पढ़ चुके हो क्या होता है. मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, यानी मोमेंटम वो है जो मास एंड वेलोसिटी पर डिपेंड करता है. क्लियर. इसे हम ये भी कह सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी ये एक लॉ है और इस लॉ के अकॉर्डिंग कि दैट वेन एवर वन बॉडी गेंस मोमेंटम देन सम अदर बॉडी मस्ट लॉस एन इक्वल अमाउंट ऑफ मोमेंटम. इट मीन्स कि अगर एक बॉडी मोमेंटम को गेन कर रही है तो दूसरी बॉडी उतनी ही मात्रा में उस मोमेंटम को क्या कर रही है लॉस कर रही है. तो इट मीन्स कि लॉ ऑफ मोमेंटम क्या हुआ कि मोमेंटम इज नेवर नेवर क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉय ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है. क्या मींस कि मोमेंटम इज नेवर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय, ना तो क्रिएटेड किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. क्लियर. यहाँ पर इसे एक एग्जांपल के थ्रू हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है. सपोज कि टू बॉडीज, एक ट्रक है एक कार है, एक ट्रक है और एक कार ले लीजिए आप, ये कार हो गई. क्लियर. तो इन टू बॉडीज में एक ट्रक और कार, इनमें इनकी डिफरेंट स्पीड है इनकी और दोनों कहाँ जा रही हैं सेम डायरेक्शन में चल रही हैं. इनका जो मास है वो क्या होगा m1 एंड m2 और इनकी जो वेलोसिटी है ट्रक की वेलोसिटी मान लो सपोज u1 इनिशियल वेलोसिटी कहलाती है और कार की वेलोसिटी क्या हो जाएगी u2. दोनों बात समझ आए कि सपोज हमने दो बॉडीज ली हैं एक कार और एक ट्रक. क्लियर. और दोनों ही मूव कर रही है सेम डायरेक्शन में बट उनकी जो वेलोसिटी है वो क्या है डिफरेंट है. एक की क्या है यू वन और दूसरे की क्या है यू टू. क्लियर. तो इनका जो मोमेंटम होगा दोनों का जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा एम वन और यू वन एंड एम टू और यू टू. क्लियर हुआ. अगर हम टोटल मोमेंटम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा टोटल मोमेंटम एम वन यू वन इसका है एम टू यू टू इसका है. तो मोमेंटम बिफोर कॉलिजन क्या हुआ एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू. मेरे ख्याल से ये चीज यहां तक समझ आई. अब हम क्या करेंगे एक ट्रक और कार का जब कॉलिजन होता है सपोज कि दोनों बॉडी जो है कॉलाइड हो रही है मिल रही है आपस में तो क्या होगा ड्यू टू कॉलिजन द वेलोसिटी ऑफ द ट्रक एंड द कार विल चेंज. जैसे इन दोनों का कॉलिजन होगा यानी मिलेंगी तो कॉलिजन के बाद इनकी जो वेलोसिटी है उसमें क्या आ जाता है चेंज आ जाता है. कॉलिजन मीन्स
कोलिजन के बाद अभी मैंने कहा कि उनकी क्या हो जाती है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है। क्लियर? चेंज होने के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ट्रक की वेलोसिटी क्या है v1 और कार की वेलोसिटी क्या होगी v2। तो इनका जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा m1 v1 और कार का क्या होगा m2 v2। बात समझ आई? तो आफ्टर कॉलिजन जो टोटल मोमेंटम होगा वो कितना होगा कार एंड ट्रक का, वो होगा m1 v1 प्लस m2 v2। ये यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब सपोज दैट ड्यूरिंग कॉलिजन द ट्रक एक्सर्ट अ फोर्स f1। इट मीन्स कि ट्रक ने एक फोर्स एक्सर्ट किया किस पर, कार पर, उसे हम क्या कहेंगे f1। एंड सेकेंड कार एक्सर्ट अ फोर्स f2 ऑन द ट्रक, इसने ट्रक ने एक फोर्स अप्लाई किया कार पर जिसे हम कह रहे हैं f1 और कार ने भी एक फोर्स एक्सर्ट किया ऑन द ट्रक दैट इज ए f2। क्लियर? तो यहां पर जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं, वी विल नाउ फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ द फोर्स f1 m2 f2। तो उसे कैसे फाइंड आउट करते हैं वो चीज हम देखते हैं। तो फर्स्ट हम क्या ले रहे हैं, यहां पर क्लियर कर रहे हैं कि व्हेन द फोर्स f1 क्योंकि अभी हमने बात करी कि जो फोर्स एग्जर्ट हुआ किसके थ्रू, ट्रक के थ्रू, ट्रक एग्जर्ट अ फोर्स f1 किस पर लगाया, ऑन द कार पर। तो हमने वो f1 लिया है ऑफ द ट्रक, ऑफ द ट्रक और किस पर है ये, ऑन द कार। ऑन द कार किस टाइम में लगाया, वो टाइम होगा टी। टाइम टी, क्लियर यहां तक? तो अब वेलोसिटी जब फोर्स अप्लाई होता है f1 किस ट्रक से किस पर, कार पर, टाइम टी में, तो देन वेलोसिटी ऑफ कार चेंज फ्रॉम u2 टू v2। अब यहां पर एक्सीलरेशन ऑफ कार क्या हो जाएगा, आपको पता है एक्सीलरेशन को हम a से रिप्रेजेंट करते हैं, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा v2 माइनस u2, चेंज ऑफ द वेलोसिटी है ये, अपॉन टी, v2 माइनस u2 क्योंकि अभी हमने कहा कि वेलोसिटी ऑफ कार चेंज फ्रॉम u2 टू v2, तो इसलिए v2 माइनस u2 ये आपका एक्सीलरेशन हुआ। अब आपको ये भी पता है कि f इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू a। यहां पर हमने f क्या लिया है, f1 माना है, f1 लिया है, तो हम लिखेंगे f1 इज इक्वल टू m क्या होता है यहां पर, तो फोर्स हमने क्या लिया f1 और हमारी जो मास है वो क्या है m2 और यहां वेलोसिटी जो एक्सीलरेशन है उसकी वैल्यू क्या ली है आपने v2 माइनस u2 अपॉन t, वो अप्लाई करो यहां पर। क्लियर हुआ ये चीज? अब सेकंड बात, ये फर्स्ट था आपका, सेकंड क्या होगा इसे मैं रफ कर रही हूं। सेकंड क्या होगा कि व्हेन द फोर्स f2, अब देखिए यहां पर फोर्स f1 था, अब हम लगाएंगे फोर्स f2, उल्टा कर दीजिए बिल्कुल, व्हेन द फोर्स f2, f2 किस पर है, ऑफ द कार एक्ट्स ऑन द ट्रक, एक्ट ऑन द ट्रक, ठीक है। फोर किसमें, टाइम टी में, फोर टाइम टी। अब अगेन वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी वेलोसिटी ऑफ द ट्रक, किससे होगी, फ्रॉम वेलोसिटी, देखिए यहां पर क्या थी u2 और v2 थी, अब यहां पर जो वेलोसिटी चेंज हो रही है ट्रक की वो क्या होगी, अगेन u1 टू v1,
यहाँ कार की थी तो ये यू टू टू वी टू हुई थी, यहाँ पर यू वन टू वी वन होगी। तो सेम एसलेशन, नीचे हमने देखा था एसलेशन किसका था, कार का, यहाँ किसका होगा, ट्रक का। ए से रिप्रेजेंट करते हैं एसलेशन को, इज इक्वल टू, आप देखिए यहां पर नीचे आपने क्या लिया था, वी टू माइनस यू टू, ऊपर क्या लेंगे, वी वन माइनस यू वन अपॉन टी, क्लियर। अब आपको ये तो पता ही है फिजिकल टू एम इंटू ए होता है, एफ आपके पास क्या है, यहां पर क्या है, एफ टू इज इक्वल टू एम की वैल्यू आप क्या लेंगे, एम वन, क्लियर। और एसिलेशन आप क्या लेंगे, v1 माइनस u1 अपॉन t, दोनों चीजें क्लियर हुई। यहां पर एसिलेशन को आप समझने के लिए इसे आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं a2 और a1 में, क्लियर। अब क्या होगा, जब आपने f1 और f2 की वैल्यू निकाल लिया तो आपको यह पता है कि जो भी आपका फोर्स एक्सर्ट होता है बाय द ट्रक इज द एक्शन है, एंड द फोर्स एफ टू एक्सर्ट बाय द कार इज द रिएक्शन, और एक्शन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, एफ वन इज इक्वल टू माइनस एफ टू, बिकॉज अपोजिट हो रहा है ना इसलिए माइनस में आएगा, बात समझ आए। अब इसे आप वैल्यू को फुट कर दीजिए इसमें, कैसे होगी, देखें F1 की वैल्यू क्या थी आपके पास, याद है कि नहीं, F1 की वैल्यू थी आपके पास M2 मल्टीप्लाई V2 माइनस U2 अपॉन T इज इक्वल टू माइनस, F2 की वैल्यू आपके पास सामने लिखी हुई है M1 V1 माइनस U1 अपॉन T इज इक्वल टू के सेम उसमें होते हैं तो क्या हो जाता है, ये कट जाता है, तो T से T कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा क्या, M2 ब्रैकेट में V2 माइनस U2 इज इक्वल टू माइनस M1 V1 माइनस U1, क्लियर हुआ। आप इसे क्या करेंगे, आप खोल दीजिए यानी मल्टीप्लाई कर दीजिए, M2 V2 ब्रैकेट के बाहर जो होता है उसका मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यू से होता है, M2 V2 माइनस का साइन है M2 U2, माइनस का साइन M1 V1, माइनस माइनस प्लस M1 U1, यहां तक क्लियर हुआ कि किस तरह से हमने खोला और कैसे मल्टीप्लाई हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को रीअरेंज कर सकते हैं, रीअरेंज का मतलब कि जैसे वैल्यू M2 V2 वाली है तो उसको जैसे कि M2 V2 है, V1 वाली वैल्यू इसके साथ ले आओ, ये माइनस में है तो प्लस कर दो, इधर इज इक्वल टू इधर माइनस में है ना, तो इसको जब उठा के इधर लाते हैं इज इक्वल टू इस तरफ वो प्लस हो जाता है इज इक्वल टू, अब देखो M1 V1 तो इधर आ गया, उधर क्या बचा M1 U1, इसको उठा के उधर ले जाओगे तो प्लस M2 U2, समझ आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ ये चीजें। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको u1 है ना इनिशियल पोजीशन है इसलिए इसको उठा के धर लिया, m1 एक ही बात है वो वैसे कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप उधर भी रख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज इक्वल टू m2 v2 प्लस m1 v1, अरेंज करने के लिए हमने किया ये सर, ये आपका एक कंजर्वेशन मोमेंटम का एक फॉर्मूला निकल कर आ गया, इसे क्या कहते हैं देखिए, इस इधर वाली वैल्यू को मैं इधर से रफ कर रही हूं, देखिए ये जो वैल्यू है ना ये वाली m1 u1 plus m2 u2 ये कहलाता है टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, नीचे मेरे पास स्पेस नहीं है आपको नीचे लिखना है यहां पर, ठीक है, या मैं इसको यहां पर लिख देती हूँ m1 u1 plus m2 u2 is equal to m2 v2 plus m1 v1, ये जो वैल्यू है ये क्या है टोटल मोमेंटम, बिफोर कॉलिजन, अगर आपको ध्यान हो जब हमने स्टार्ट किया तो हमने लिया था ये, है ना,
और ये क्या आ जाएगा आफ्टर कोलिजन. ये एक फॉर्मूला आपके पास निकल कर आ गया है. क्लियर. अब इसी में हम एक एप्लीकेशन लेते हैं एक्सप्लेन करने के लिए कि क्या हो सकती है एप्लीकेशन. हमने पहले ही स्टडी कर ली कि जेट एरोप्लेन एंड रॉकेट्स बोथ आर ही किस पे वर्क करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन. क्लियर. बट वी विल नाउ डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ रॉकेट्स एंड जेट एरोप्लेन अकॉर्डिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. इट मीन्स कि जेट एरोप्लेन एंड रॉकेट जो है वो वर्क करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के अकॉर्डिंग भी. एक्चुअली क्या कि द केमिकल्स इनसाइड द रॉकेट बर्न एंड प्रोड्यूस हाई वेलोसिटी ब्लास्ट ऑफ हॉट गैसेस. ये आप लोग जानते हैं कि जैसे ही आप इनसाइड कराते हैं रॉकेट के अंदर तो उसमें से क्या होता है, प्रोड्यूस होती है हाई वेलोसिटी गैसेस. और क्या होंगी वो गैसेस, पास आउट हो जाती हैं थ्रू द टेल नोजल्स. जो उसकी उसकी नोजल होती है रॉकेट की, उसके थ्रू वो क्या निकल आती है, बाहर निकल आती है, यानी डाउनवर्ड चली जाती हैं गैसेस. और तभी जो रॉकेट होता है, ये हमने पढ़ा था कि गैसेस जैसे डाउनवर्ड जाएंगी रॉकेट ऊपर की ओर अपर चला जाता है. ये बात क्लियर हुई. इस समय जब वो स्पीड से काफ़ी ट्रेमेंडियस स्पीड से या वेलोसिटी से डाउनवर्ड की तरफ गैसेस निकलती हैं तो रॉकेट्स मूव अप टू बैलेंस द मोमेंटम ऑफ द गैसेस. उस समय जो गैसेस का मोमेंटम है वो क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है. Although the mass of gases emitted is comparatively small, but they have very high velocity and hence a very large momentum. An equal momentum is imparted to the rocket in the opposite direction. अभी हमने momentum में पढ़ा था कि जितना कि एक body momentum को gain करती है उतनी ही equal मात्रा में दूसरी body momentum को loss कर देती है. सेम वही बात इसके अकॉर्डिंग हो रहा है, इसीलिए इसको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग रॉकेट और जेट एरोप्लेन को लिया गया, एग्जांपल लिया गया एप्लीकेशन के एप्लीकेशन में. सेम एज इट इज ही अगर हम एरोप्लेन की बात करें, जेट एरोप्लेन की, तो इसमें भी क्या होता है कि लार्ज वेलोसिटी ऑफ गैसेस बाय द कंबशन ऑफ फ्यूल इज अलाउड टू एस्केप थ्रू अ जेट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. जैसे लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस जो होती है प्रोड्यूस होती है इसमें से किसके थ्रू, कंबशन ऑफ फ्यूल के थ्रू. जब जलती है ना इसमें जेट एरोप्लेन में, जब कंबशन होगा फ्यूल्स का, तो उस समय क्या होता है बहुत लार्ज मात्रा में बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है गैसेस निकलती हैं. तो ड्यू टू द वेरी हाई स्पीड और वेलोसिटी द बैकवर्ड रशिंग गैसेस हैव अ लार्ज मोमेंटम. उस समय उनका मोमेंटम क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में होता है. तो दे इम्पार्ट एन इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम टू द जेट एरोप्लेन ड्यू टू द विच द जेट एरोप्लेन मूव्स फॉरवर्ड विद अ ग्रेट स्पीड. जितनी स्पीड के साथ गैसेस बाहर आती हैं निकलती हैं उतनी स्पीड के साथ जेट एरोप्लेन ऊपर की ओर जाता है. क्लियर हुई मेरी बात. और इस तरह से दोनों ही किस प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर वर्क करते हैं. आपके लिए एक जैसे बुलेट थी जो हमने बताया था कि फायर होती है, तो उसमें आपको एक एग्जाम्पल एक फॉर्मूला याद करें आप जो आपके न्यूमेरिकल में भी काम आएगा. मोमेंटम ऑफ बुलेट. क्लियर. मोमेंटम बुलेट इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गन. मोमेंटम बुलेट और मोमेंटम ऑफ गन. तो यहां पर मास ऑफ बुलेट एंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट आ जाएगा. क्लियर. और मोमेंटम गन में मास ऑफ गन और मास ऑफ गन एंड मल्टीप्लाई आ जाएगा. देखिए यहां पर वेलोसिटी रिकॉइल हो रही है ना, तो रिकॉइल ऑफ गन. ये फॉर्मूला आपके पास ये है.
मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा। अब हम यहाँ पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन, बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड। देखो आपको ऊपर डायग्राम दिखाई दे रहा है कि एक मान लिया बुलेट है ना, जिसका मास कितना है 400 मीटर पर सेकेंड। अब इसका मास 400 पर मीटर पर सेकेंड है, लेकिन ये 10 ग्राम से मूविंग कर रहा है। वेलोसिटी ऑफ 10 ग्राम मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड गेट्स अमेंडेड इन अ फ्रीली सस्पेंडेड वुडन ब्लॉक। और ये वुडन ब्लॉक है जिसका मास कितना 900 ग्राम है। ये दिस इज अ वुडन ब्लॉक। तो यानी अमेंडेड का मतलब सेकेंड में, अमेंडेड मतलब अंदर चली गई। फर्स्ट पहले निकालते हैं हम कि मास ऑफ द बुलेट कितना है, या एम कितना है। M1 इज इक्वल टू 10 ग्राम। अब ग्राम को हम पहले किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। किलोग्राम में क्यों कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज हमारा जो मोमेंटम है उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो इसलिए हम इसे किस में करेंगे, 1000 किलोग्राम। क्लियर। अब कितना आ जाएगा ये 0.01। देखिए 10 से 10 कैंसिल और ये 2 है तो 12 किलोग्राम। अब आपके पास वेलोसिटी ऑफ द बुलेट क्या है, V1। वेलोसिटी आपके पास है 400 मीटर पर सेकेंड। आपका जो फॉर्मूला है वो क्या है, मोमेंटम ऑफ द बुलेट। क्या होता है, M1 इंटू V1। क्लियर। M1 की वैल्यू और V1 की वैल्यू आपको दोनों आपके पास आ चुके हैं 0.01। दिस इज ए M1 और V1 क्या आपके पास 400 मीटर पर सेकेंड। मल्टीप्लाई कर दीजिए 400 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब देखिए दिस बुलेट ये कितने उससे घुस रही है, 10 ग्राम की जो आपकी स्पीड थी, उसका मास था उसका बुलेट का, उसके हिसाब से घुस रही थी उसमें वुडन ब्लॉक में। तो जो 900 क्या है आपके पास, 10 ग्राम गैट्स अमेंडेड था ना इनटू वुडन ब्लॉक ऑफ मास 900 ग्राम। तो जो टोटल आपका मास आएगा बुलेट का अमेंडेड करके आ गया, यानी जो उसके अंदर बुलेट चली गई है वो मास भी 900 ग्राम मास के साथ क्या हो जाता है, कंबाइंड हो जाता है। तो टोटल जो मास होगा आपका बुलेट का वो कितना हो जाएगा, यानी मास ऑफ क्लियर। और ये क्या होगा, M2, मास ऑफ वुडन ब्लॉक प्लस बुलेट, इसे कहेंगे M2। और ये कितना होता है 910, क्योंकि 900 तो आपका ये वुडन ब्लॉक का हो गया और ब्लड का कितना हुआ 10। तो टोटल कितना हो जाएगा 910। अब ये भी ग्राम में है, इसको भी आप किलोग्राम में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 910 अपॉन 1000 क्या किलोग्राम। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 है। ये क्या है आपका M। नेक्स्ट आपका क्या आएगा, V2। V2 यानी जो वेलोसिटी है वुडन ब्लॉक की, तो वेलोसिटी आपको निकालनी है ना। वेलोसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक या प्लस बुलेट V2, ये क्या है आपको निकालना है। क्लियर। कैसे निकलेगा, अभी से आपके पास M2 V2 मोमेंटम ऑफ, मैं यहां से सिर्फ कर रही हूं, मोमेंटम ऑफ वुडन ब्लॉक प्लस बुलेट कितना
कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू एम टू वी टू. एम टू आपके पास दे रखा है आपको 0.91, वी टू आपको निकालना है. क्लियर? अब आपके पास जो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम है उसके अकॉर्डिंग क्या आते हैं फॉर्मूला आपके पास? एम वन वी वन याद है, इज इक्वल टू एम टू वी टू. ये आपके पास फॉर्मूला है क्योंकि आपके पास दो मोमेंटम है, टू मोमेंटम एज गिवन बाय आपको इक्वेशन में दे रखा है एम टू वी टू एंड एम वन वी वन. तो एम वन वी वन आपके पास क्या आया था? 0.01 मल्टीप्लाई कितना था? 400. और एम टू आपके पास क्या है? 0.91 मल्टीप्लाई वी टू. अब आपको निकालना क्या है? वी टू निकालना है. वी टू निकालने के लिए जो चीज निकालनी होती है उसके जो मल्टीप्लाई में होता है वो नीचे डिवाइड में जाता है, ये चीजें ऊपर आ जाती हैं. तो 0.01 इसीलिए हमने पहले मल्टीप्लाई नहीं किया था इसको ताकि कट जाए. ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, दो डिजिट पॉइंट के बाद है, दो डिजिट पॉइंट के बाद इसलिए वो नहीं होगा, इसमें चेंज नहीं आएगा और इसको हम आराम से. अब कितना आ जाएगा? 400 को 1 से किया तो 400/91. अब इसे डिवाइड करके देखिए कितना आंसर आएगा. 400 का 400 में आपने 91 का डिवाइड किया तो कितना आएगा? 4 से जाएगा, 364. 10 में से 4 गए 6, 9 में 6 गए तो 3. क्लियर? और फिर पॉइंट लगाइए और जीरो उतारिए, कितना आया? 4.3 समथिंग कुछ आएगा. तो आंसर आएगा 4.3 मीटर पर सेकेंड. क्लियर? ये आपकी प्रॉब्लम है, सॉल्व हुई. सेकेंड न्यूमेरिकल हम देख सकते हैं कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन टू स्टॉप अ मास ऑफ 2.5 केजी विच इज मूविंग एट 20 मीटर पर सेकेंड. इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? आपको क्या क्या दिया हुआ है सबसे पहले आप ये लिखेंगे. तो हमें सबसे पहले देखा फोर्स, फोर्स हमारे पास क्या है? 10 न्यूटन. क्लियर? उसके बाद हमारे पास क्या है? मास. मास कितना है? 2.5 केजी. क्लियर? तीसरी चीज आपको क्या दे रखी है? देखिए इनिशियल वेलोसिटी, यू से रिप्रेजेंट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी को. तो यू इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 20 मीटर पर सेकेंड. अब इनिशियल वेलोसिटी क्यों दे रखी है? बिकॉज जो ऑब्जेक्ट है वो मूविंग है, नॉट कंप्लीटेड द वर्क, उसने अपना वर्क कंप्लीट नहीं किया है, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है. जबकि फाइनल वेलोसिटी कितनी है? जीरो. और आपको क्या इसमें फाइंड आउट करना है, क्या निकालना है? तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक, यानी आपको निकालना है टाइम. क्लियर? टाइम निकालने के लिए आप यहां पर मोशन की जो इक्वेशन है उसमें फर्स्ट इक्वेशन पे जाओ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. अब आपके पास v भी है, u भी है, आपको t फाइंड आउट करना है, लेकिन आपके पास a नहीं है, है ना? a निकालने के लिए आप सेकेंड फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी f इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई a. ये भी तो एक फॉर्मूला होता है, जरूरी नहीं कि आपको एक ही फॉर्मूले से वही वैल्यू पुट करें और निकाल रहे, नहीं ऐसा नहीं है. एक क्वेश्चन में दो फॉर्मूले भी यूज हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं. आपके पास वैल्यू देखनी क्या क्या दे रखी है, आपको क्या चाहिए. तो यहाँ पर m आपके पास दे रखा है, कितना है आपके पास? 2.5. और आपको निकालना क्या है? a, क्योंकि आपको a चाहिए. और f आपके पास कितना है? 10 यहाँ रख दीजिए. अब a निकाल रहे तो a आप साइड में लाएंगे, 10 ऊपर जाएगा और 2.5 नीचे आएगा. जो मल्टीप्लाई में होता है वो नीचे जाता है. आप डेसिमल हटाएंगे, 10 ऊपर, 25 फोर जा कितना होता है? 100. तो a आपके पास क्या आ गया यहाँ पर? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसको पुट करो इस फॉर्मूले में तो कितना आ जाएगा? देखिए v आपके पास कितना है? 0. ऊपर वैल्यू पुट रखी हुई है. उसके बाद आपके पास u कितना है? u है आपके पास 20. उसके बाद आपके पास a और t आपको फाइंड आउट करना है. क्लियर?
कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू 20 प्लस 40। या आपको एक और चीज यहां पर आपको लेना पड़ेगा, 20 माइनस 40। अब ये माइनस कहां से आया? बिकॉज वी आर स्टॉपिंग इट। किसको आप स्टॉपिंग कर रहे हो ना? आपने क्या करा? स्टॉप अ मास ऑफ 2.5 केजी, तो स्टॉपिंग किया आपने, इसलिए यहां पर माइनस साइन अप्लाई होगा। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या जाएगा? अगर आप 20 को उठा के इधर लाते हैं तो माइनस में जाएगी, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और अगर आप 40t को उठा के इधर लाते हैं तो प्लस में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 40t इज इक्वल टू 20, या इधर कर देती हूँ, टी इज इक्वल टू 20 अपॉन 4, 4 5 20, तो टी की वैल्यू कितनी है? 5 सेकेंड। दिस इज ए आंसर। मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा कि कैसे निकालते हैं, कैसे अप्लाई होती है चीजें। क्लियर? थर्ड न्यूमेरिकल, अ 1000 केजी व्हीकल मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इज ब्रॉट टू रेस्ट इन अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। तो आपको इसमें क्या निकालना है? पहले तो आपको निकालनी है एक्सीलरेशन, और दूसरा निकालना है अनबैलेंस फोर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, इसमें से वैल्यूज निकालेंगे कि क्या क्या वैल्यू आपको दे रखी है, उसी के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला पुट करेंगे कि हमें कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो सकता है। तो आपको देखा मास 1000 केजी मास दे रखा है, उसके बाद आपको दे रखी है इनिशियल वेलोसिटी यू इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट आपको दे रखा है डिस्टेंस 50 मीटर, डिस्टेंस को आप अप्लाई करते हैं एस से, एस इज इक्वल टू 50 मीटर। क्लियर? उसके बाद आपको फाइनल वेलोसिटी दे रखी है 0 मीटर पर सेकेंड। आपको फाइंड आउट क्या करना है? एक्सीलरेशन, यानी ए आपको फाइंड आउट करना है। अब आप यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कौन सा, अगर आपको ध्यान हो कि जो हमारी इक्वेशन है थर्ड नंबर की, जो इक्वेशन है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर? अब यहाँ पर s भी आपके पास है, a आपको फाइंड आउट करना है, u है आपके पास, आपके पास v भी है। पुट कर दीजिए वैल्यू, 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू u आपके पास है 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 2a आपको क्या करना है फाइंड आउट, s आपके पास कितना है 50। कितना हो जाएगा? 0 तो 0 ही रहेगी, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 400 प्लस 10 और 0 a, इसको उठा के इधर लाएंगे, 400 प्लस का था माइनस हो जाएगा 100 a माइनस 400 अपॉन 100 इज इक्वल टू a, जो मल्टीप्लाई होता है डिवाइड में चला जाता है, जिससे 0 कैंसिल, माइनस 4 क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका ए आ गया। ए यानी एक्सीलरेशन पूछा था, ये फर्स्ट आपका, ये यहाँ से फर्स्ट आपका सॉल्यूशन हो गया। क्लियर? अब आपसे सेकेंड पूछा है, क्या पूछा है सेकेंड? कि अनबैलेंस फोर्स क्या होता है ना? अब हम सेकेंड देख लेते हैं। सेकेंड में आपको फॉर्मूला फोर्स निकालना है, एक चीज और ध्यान रखना है, माइनस में वैल्यू आई है तो नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि दैट इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ स्पीड, समझे? स्पीड के अपोजिट डायरेक्शन होता है। तो यहां अब हम फॉर्मूला, चूंकि हमें अनबैलेंस फोर्स निकालना था, फोर्स का फॉर्मूला लग गया, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, ये आप जानते हैं। अब यहाँ फोर्स, हमें अनबैलेंस फोर्स निकालना है, तो हमें मास दे रखा है 1000 और ए हमारे पास आएगी माइनस 4। चलिए कितना आ जाएगा? माइनस 4000 क्या? न्यूटन। क्लियर? और इसका नेगेटिव मीन्स फिर अगेन वही होगा कि जो अपोजिट है, जो इसकी जो डायरेक्शन स्पीड के अपोजिट होगी। क्लियर? मेरे ख्याल से ये इन न्यूमेरिकल्स से आप अदर न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर पाएंगे, आई होप सो। सो इट इज अ क्लियर।